मुंह पर मास्क प्रॉपर तरीके से, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का सबसे बेसिक स्टेप। लगातार अथॉरिटी कह कहकर थक गई, मगर बड़ी आबादी इस चेतावनी को अब तक अनसुना करती आ रही है। कोरोना नियमों को ताक पर रखने वालों को लेकर प्रशासन भी सख्ती बरतता रहा है। लगातार किसी के उठक बैठक टाइप वीडियो सामने आते रहे हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो आया है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से, जहां एक महिला साधुओं से झड़प कर रही है, उन पर हाथ साफ कर रही है क्योंकि उनके चेहरों से मास्क गायब है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जानने से पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। हनुमानगढ़ जिले का पीलीबंगा क्षेत्र, दो साधु गली से गुजर रहे थे, इतने में घेरे गए। घेरने वाली शख्स थी वार्ड 35 की कांग्रेस पार्षद पूनम महंत। वीडियो में देखा जा सकता है कि पूनम उन दोनों शख्सों को घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठने को कहती हैं, धक्का देती हैं, एक के सिर पर थप्पड़ घुमा देती हैं, उनसे पूछती हैं कि जानते नहीं कोरोना चल रहा है, फिर पूछती हैं, लेकिन इस बार हाथ में थामे डंडे को उठाकर, कि पता नहीं ये कोरोना काल है। बिल्कुल वाजिब बात, दोनों साधुओं के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। पूनम ने पूछा कि मास्क कहाँ है, उनमें से एक ने गले में टंग रहे कपड़े की ओर इशारा किया। पूनम ने उस कपड़े से मुंह ढकने को कहा डांटते हुए, दोनों ने पालन किया। किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया को भेंट कर दिया। शायद सोचा होगा कि कांग्रेस पार्षद की जागरूकता की तारीफ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा लोग ट्रोल करने लगे। वजह थी कि पार्षद जी के खुद के चेहरे से मास्क गायब था। अनढके मुंह से ही वो दोनों साधुओं को डांट रही थी, उन्हें मास्क पहनने को कह रही थी। इस पर लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, मास्क न पहनने के कारण संतों को पीटने वाली ये महिला कांग्रेस की पार्षद पूनम महंत है। हैरानी की बात यह है कि पीटने वाली महिला ने खुद भी मास्क नहीं पहना है। मामला बाहर निकला तो पार्षद जी तक भी खबर पहुंची। ठीक कुछ घंटे बाद उनका दूसरा वीडियो आया, जहां वो राह चलते किसी अन्य साधु को पास बुलाकर मास्क बांटती दिख रही है। अपने दूसरे वीडियो में वो मास्क पहने दिखाई दे रही है, साथ ही साधु को कोरोना में ध्यान देने की नसीहत दे रही है। लोग पार्ट दो वाले वीडियो को हल्की स्क्रिप्ट का नमूना बता रहे हैं। बाकी पार्षद जी के लठमार वीडियो पर अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।